गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13. सो इन अवर एक्सरसाइज 10.1 वी विल कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 13. दैट इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर. मतलब यहाँ पे हमने आगे जो किया ना पेरीमीटर फाइंड किया, वही पेरीमीटर फाइंड करना है, लेकिन वो पेरीमीटर फाइंड करने के बाद थोड़ा आगे भी हमको कैलकुलेशन करना है, हमको कॉस्ट फाइंड करनी है. इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी किए हैं कि कॉस्ट फाइंड करनी हो कोई भी चीज़ की तो आपको आता है क्या करना है, मल्टीप्लाई करना होता है. तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13. तो पहले तो कॉस्ट नहीं मिलेगी, पहले तो हमको उसका पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा. तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर. अब जो पार्क है ना उसकी एक साइड है 250 मीटर की, और पार्क का शेप कैसा है, स्क्वायर है, बराबर, और उसकी एक साइड है 250 मीटर की. तो हम करेंगे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू, फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, चारों साइड एक जैसी है, फोर इंटू एल इज इक्वल टू फोर इंटू, अब एक साइड 250 की है तो 250, अब फोर इंटू 250 करोगे तो क्या आएगा बेटा, सोच सकते हो आप लोग, 1000 आएगा, ठीक है ना. तो 1000 क्या आया, 1000 ये मीटर था ना, तो 1000 मीटर वो पार्क का पेरीमीटर आ गया. अब यहाँ पे दिया है कि कॉस्ट जो है वो उसको, ये जो पार्क है ना उसको हमें फेंसिंग लगानी है, उसके ऐसे आजू बाजू हमको तार लगाने हैं. तो तार लगाने का खर्चा आता है ना, कोई मुफ्त में तो तार लगा के नहीं देगा, तो वो खर्चा है ₹20 पर मीटर. एक मीटर जो हम वो तार लगाएगा, मतलब तार लगाने वाला, तो वो ₹20 हमसे लेगा. हमको एक मीटर नहीं, हमको तो 1000 मीटर तार चाहिएगा ना पूरे साइड में, चारों साइड लगाने के लिए. इसीलिए हम 20 और 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे. तो हम लिखेंगे पहले कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज ₹20 पर मीटर. देयरफॉर, अब रियल में कितनी कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पार्क इज इक्वल टू 1000 इंटू 20. अब 1000 इंटू 20 कितना होता है आपको पता है ना, कि 2 1 2 और कितने ज़ीरो, 1 2 3 और 4 ज़ीरो लगा दिए, हो गया 20,000. कॉस्ट हमेशा किस में आती है, रुपीज़ में आती है. खर्चा, खर्चा किस में आता है, रुपीज़ में आता है. तो ये हो गया हमारा आंसर. चलो क्वेश्चन नंबर 14, लेट्स सी. फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 175 मीटर एंड ब्रेथ 125 मीटर एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर. सेम है ना, करोगे अपने आप, क्या करोगे, पार्क का मेजरमेंट दिया है, लेंथ है 175 और ब्रेथ है 125. तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, कैसा हो गया ये पार्क, रेक्टेंगल हो गया, पार्क हो गया रेक्टेंगल. और रेक्टेंगल में 175 मीटर जो लंबाई है, लंबी साइड है उसको लेंथ बोलेंगे, और थोड़ी ऐसे कम है उसको ब्रेथ बोलेंगे, वो है 125 मीटर, ठीक है. तो इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे, करोगे बेटा अपने आप, क्या लिखोगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी. ये क्वेश्चन हम आगे कर चुके हैं ना, ये क्वेश्चन मतलब इस तरह के रेक्टेंगल के क्वेश्चन हम आगे कर चुके हैं. तो आप लोग लिखोगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, फिर वो एल और बी को ऐड करोगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जो आएगा वो इस तरह का
पेरीमीटर आएगा। फिर यहाँ जैसे कॉस्ट का लिखा वैसे सेंटेंस लिखोगे और मल्टीप्लाई करोगे बेटा, ठीक है, खुद करना है ये आपको। चलो अब हम करेंगे क्वेश्चन 5 देखेंगे। स्वीटी रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर। अब फिर से एक स्क्वायर पार्क आया, जो स्क्वायर पार्क है ना उसके आजू बाजू स्वीटी दौड़ रही है। बुलबुल रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क विथ लेंथ 60 मीटर एंड ब्रेथ 45 मीटर। और बुलबुल जो है ना वो एक रेक्टेंगुलर पार्क है उसमें दौड़, उसके आजू बाजू दौड़ रही है। हु कवर्स लेस डिस्टेंस, तो कम कौन दौड़ रहा है। दोनों ने अपने अपने पार्क में एक पूरा चक्कर लगाया, हमको ये देखना है कि कम कौन दौड़ा। चलो ये क्वेश्चन में जैसे आपको कराऊं, क्या करोगे आप, हम थोड़ा उसका थोड़ी इंफॉर्मेशन लिखते हैं। स्वीटी रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क, ऐसा थोड़ा लिखते हैं तो अच्छा क्वेश्चन बड़ा बनता है और पता भी चलता है। तो स्वीटी रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क, अब हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू 4 × 12, ठीक है। अब 4 × अब स्वीटी का जो पार्क है उसकी लेंथ कितनी है, तो स्वीटी रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर, तो ये 75 मीटर। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे दोनों को तो आएगा आपका 300 मीटर। तो ये हो गया स्वीटी का पार्क का पेरीमीटर। अब हम बुलबुल का देखते हैं, तो हम लिखेंगे बुलबुल रन्स अराउंड अ, कैसा पार्क है बुलबुल का, रेक्टेंगुलर पार्क। तो फिर यहाँ जैसे स्क्वायर का हमने लिखा ना सेंटेंस, ऐसे ही लिखेंगे। अब तो आपको पता चलता होगा ना कि मैं सब क्या लिखने वाली है, तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 × L + B। चलो इसकी वैल्यू रखो, L कितना है, जो बुलबुल दौड़ रही है वो पार्क का लेंथ है 60 और ब्रेथ है 45 मीटर, ऐसे ब्रैकेट के बाहर मीटर लिख देना, इज इक्वल टू 2 × अब पहले इन दोनों को ऐड करते हैं बेटा, 105 उनको दोनों का एडिशन आएगा और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 210 मीटर। अब हमारा क्वेश्चन है हु कवर्स लेस डिस्टेंस, किसने कम डिस्टेंस कवर किया। तो कम डिस्टेंस वाला कौन सा पार्क हो गया, इसका 300 है, इसका 210 है, तो ये वाला कम है, मतलब बुलबुल वाला कम है। तो हम लिखेंगे therefore बुलबुल कवर्स लेस डिस्टेंस, ठीक है, हो गया हमारा आंसर, वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग ना। चलो लिख दो इस तरह से अच्छे से आप लोग। चलो अब है क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, ये जो चार फिगर्स दिए उसका पैरामीटर फाइंड करना है। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द आंसर्स, फिर वो चारों आंसर्स को हम देखेंगे और कुछ समझ में आएगा हमको कि इस तरह से हुआ है। तो क्या करोगे बेटा, देखो ये स्क्वायर है, कैसे स्क्वायर है, चारों साइड का मेजरमेंट सेम है, 25 है चारों साइड, तो इसको 25 × 4 कर दोगे तो आपका पेरीमीटर आ जाएगा। आप इसके अंदर लिख देना, टेक्स्ट बुक में ही आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, नोटबुक में करने की ज़रूरत नहीं है। इसको फिर रेक्टेंगल है तो 30 + 20 करोगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, फिर ये भी 40 + 10, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और ये तो ट्रायंगल है, तो इसमें अगर इक्विलेटरल होता, तीनों साइड इक्वल होती तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते, पर यहाँ 30, 30 और 40 है,
तो तीनों को ऐड करना पड़ेगा, 30 प्लस 30 प्लस 40 करोगे जो आएगा वो इसमें लिखोगे, बराबर। बस तो ये करने के बाद इन्फर, तो आपको क्या लगता है ये सारे आंसर्स देख के आपको क्या लगता है वो आपको लिखना है यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, अवनीत बाइस 9 स्क्वायर पे, अब यहाँ पे देखो मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ, मैं रीड नहीं कर रही हूँ। आपको ना ये सारी शेप, अब ये पहला वाला शेप है ना, उसका क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ हिज अरेंजमेंट। एक उसने ऐसे पेविंग स्लैब्स होते हैं ऐसे ऐसे, जैसे टाइल्स होती है ना वैसे छोटे छोटे टाइल्स है, उसको अरेंज किए, तो 9 टाइल्स थी उसके पास, तो उसने इस तरह से अरेंज कर दी और फिर इसका पेरीमीटर फाइंड किया। अब करना क्या है कि ये टाइल्स का जो लेंथ है ना वो आधा मीटर है, 1/2 मीटर है, तो आप ये हाफ और हाफ दोनों दो मिला के आपका 1 मीटर होगा, इस तरह से फिर हाफ और हाफ मिला के 1 मीटर होगा, तो इस तरह से इसका पेरीमीटर। फिर वही 9 टाइल्स को उसने इस तरह से अरेंज की, देखो ये 5 और ये 6 7 8 9, तो ऐसे अरेंज की, फिर उसका पेरीमीटर फाइंड किया ऐसे 1/2 और हाफ 1/2, इस तरह से सारी साइड्स का ओरली आप करना, इसमें कोई इक्वेशन नहीं डालना, ओरली इसी में करना और लिखना। तो बस वही है, फिर बी वाला ये है और पीछे जो सी वाला है वो पूछ रहा है विच हैज़ ग्रेटर पैरामीटर, तो दोनों में से ज़्यादा पैरामीटर किसका आया, 1 का आया कि 2 का आया। और फिर एक क्वेश्चन है कि अगर आपके पास ऐसी टाइल्स होगी तो क्या आप उसको अलग तरीके से अरेंज करके क्या करना है पता है, कैन यू फाइंड अ वे टू गोइंग वंडर वे इवन ग्रेटर पैरीमीटर, मतलब इन दोनों से भी ज़्यादा पैरीमीटर मिले, ऐसी इस तरह से क्या आप इन टाइल्स को अरेंज कर सकते हो, ऐसा उसने पूछा है। तो आप लोग भी ऐसे 9 बॉक्स ले लेना और या पेपर या कार्डबोर्ड से काट के फिर उसको अरेंज करना, फिर ये एक एक्टिविटी बराबर जिसको करनी है कर सकता है, फिर आप पैरीमीटर इन दोनों से भी ज़्यादा पैरीमीटर फाइंड कर सकते हो क्या, इस तरह से क्या आप अरेंज कर सकते हो, ये उसने पूछा है। तो ये था हमारा पैरीमीटर का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में जाएगा, वो होगा एरिया। एरिया आपने वर्ड सुना होगा, तो उसमें भी स्क्वायर का एरिया पैरीमीटर का एरिया वो सब हम लोग सीखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, इतने क्वेश्चन अच्छे से नोटबुक में लिख देना, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। टिल देन बाय।